तुलसीदास की रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार से शुरू हुई ये सियासत अब उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है, लेकिन इस पर देश के जाने माने शंकराचार्य का क्या मानना है? इस वक्त हमारे साथ अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और समय समय पर स्वामी जी आपसे इस विषय को लेकर कई बार पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन सबके जेहन में जो आम जनमानस है वो ये सवाल पूछ रहा है कि वास्तव में रामचरितमानस में ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका जो जिक्र किया गया है सही मतलब सही मायने इन लाइनों के आखिर क्या हैं? देश को कैसे आप समझाएं? बात यह है कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, शब्दानाम अनेक अर्थ है और संदर्भ के अनुसार प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाले जाते हैं। ये जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में ताड़ना शब्द कहा गया है, इसी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ताड़ना माने पीटना, ताड़न माने प्रताड़ना जैसे होता है ना, परेशान करना, वैसी बात। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ ताड़ने का अर्थ है सूक्ष्म दृष्टि से उन पर ध्यान रखे रहना, उनको उनके ऊपर नज़र रखना, उनको अकेला मत छोड़ देना, उनके हाल पर न छोड़ देना, ये अर्थ है। मौजूदा वक्त में रामचरितमानस पर जिस तरह की सियासत हो रही है उस पर मेरा सवाल है स्वामी जी आपसे, आपको क्या लग रहा है कि दरअसल ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की एक सियासत है जो बिहार उत्तर प्रदेश इन दोनों ही जगहों पर हो रही है 2024 के चुनावों के मद्देनजर? पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स, हाँ जी, इसमें क्या आप शंका रह गई है? ये जो बयान आया है राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा आया है, जिन लोगों ने इसको बढ़ाया है वे लोग भी राजनीतिज्ञ हैं और निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि अब देश में जो ध्रुवीकरण हुआ है वो धर्म के आधार पर हुआ है और धर्म के आधार के ध्रुवीकरण में स्वाभाविक है कि हिंदू भारी पड़ गया। हिंदू इसलिए भारी पड़ गया कि जितने हिंदू हैं सब इकट्ठा हो गए और इस देश में उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है। तो ऐसी परिस्थिति में अब जब तक हिंदुओं को बांटा नहीं जाएगा, हिंदुओं में दो वर्ग नहीं पैदा कर दिए जाएंगे, तब तक पित्रा जी राजनीतिज्ञों का काम नहीं चलेगा। इसलिए राजनीतिज्ञ हिंदुओं के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार, एक बहुत बड़ा विभाजन, एक बहुत बड़ी रेखा खींच देना चाहते हैं और फिर आधे हिंदुओं को ये आधे हिंदुओं को वो लेकर के आपस में लड़ेंगे और उसी में अपना लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। ये जो हम हैं सनातनी, हमारा वेद कहता है, भले उपमा ये दी गई है कि ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय बाहु है, उरु वैश्य है, पैर शूद्र हैं, ये भले उपमा दी गई है लेकिन कहा तो यही गया है ना कि ये सब भगवान के अंग हैं और अगर कोई भी अंग टूटेगा तो भगवान की मूर्ति खंडित हो जाएगी। इसका मतलब है कि वेद ये चाहता है, ये कहना आशय है उसका कि चारों में से किसी को भी अलग नहीं होना है, अलग होते ही मूर्ति खंडित हो जाएगी और अपूज्य हो जाएगी। तो चारों की एकता बनी रहनी चाहिए तभी सनातन धर्म बना रहेगा। हमारा अभिन्न अंग है, किसी हालत में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य अगर ये चार वर्ण कहे गए हैं तो चारों की एकता है और इसी तरह से हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो काम भी करती है कि एक के बिना दूसरे का काम हमारा नहीं चलता है, हम सब मिल करके काम आपस में बांट करके काम करते हैं। ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, एक व्यवस्था है और जिसका लाभ लंबे समय तक समाज को मिला है। अब राजनीति के लोग इन पंक्तियों को आगे रख करके और इन पंक्तियों के अंदर आए हुए शब्दों के अर्थों को बिगाड़ करके, उसकी गलत परिभाषा करके बहुत बड़ा एक अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं और वो प्रयोजन यही है कि हिंदू समाज में विभाजन हो जाए और फिर हम एक एक बोल को लेकर के राजनीति में आगे बढ़ जाएं। महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं स्वामी जी, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, एक तरफ हम सब जानते हैं कि श्री राम को कैसे 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा, फिर राम मंदिर की लड़ाई 500 सालों तक चली और उसके बाद अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो रामचरितमानस को जो 500 साल पहले लिखी गई उसको आधार बनाकर अब इस तरह की सियासत हो रही है। राम के नाम पर ये समय समय पर जो कुछ भी घटता रहा है उसको किस नजर से देखा जाए? नहीं, राम को लेकर की ये स्थिति नहीं है, ये राम को मानने वाले लोग हमारे देश में ज्यादा हैं, इसलिए राम को अगर पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि राम को मानने वाले पकड़ में आ जाएंगे, इसीलिए राम सदा केंद्र में रहते हैं।
राम का महात्म्य है इस देश में, इसीलिए राम चूंकि केंद्र में है, अगर विरोध करना है किसी को तो राम का करता है, समर्थन करना है तो राम का करता है। राम ही धुरी हैं, चाहे वो इस देश के धर्म की धुरी हो, चाहे इस देश की राजनीति की धुरी हो, इस समय राम ही धुरी हैं। राम के नाम पर यह भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा हुआ, और 2024 के बिल्कुल शुरुआती महीने में ही राम के द्वार खोल दिए जाएंगे आम भक्तजनों के लिए। तो क्या यह डर भी है विपक्षी दलों में, यही कारण है कि अब रामचरित मानस को आधार बनाकर अब शूद्र की बात कहकर इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, क्या यह बात समझी जाए या इसको किसी और संदर्भ में आप व्याख्या देना चाहेंगे? चित्रा जी, बार बार आप यही पूछ रही हैं और सच बात यही है कि कोशिश यही है, प्रयास यही है कुछ राजनीति के हमारे भाइयों का कि राम के नाम पे जिस तरह से भारत में सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी नाम की राजनीतिक दल ने, अब रामचरितमानस की कुछ बातों को उठा करके, क्योंकि जिस तरह से एक मंत्री ने पहले दूसरे प्रदेश में बयान दिया, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने, जो पूर्व मंत्री है उसने बयान दिया, उसके बाद उस पार्टी के मुखिया ने उस बात को बहुत दृढ़ता के साथ लेकर के सामने आए, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता वक्तव्य दे रहे हैं कि साहब हमारे साथ ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अन्याय अत्याचार कौन सा हुआ है, कुछ उदाहरण तो हर चीज़ के मिल जाते हैं, कुछ उदाहरण से नहीं चलता है। इस देश में लंबे समय तक उनका राज रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि हम दलित हैं, हम शोषित हैं, हम पिछड़े हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, और इसी तरह से लंबा है, केवल वो जो कुषाण वो था एक ब्राह्मण राजा है, उसके शुंग पुष्यमुत्र शुंग, वो जो शुंग डायनेस्टी है वो ब्राह्मण था, इसके अलावा कौन ब्राह्मण राजा हुआ है, सारे तो यही लोग हुए हैं, क्षत्रिय हुए हैं या फिर शूद्रों में से राजा हुए हैं, और ये राजा रहे और अच्छे राजा रहे, इनकी कसीदे पढ़े जाते हैं, हम लोग प्रशंसा करते हैं, चाणक्य ने इन्हीं को चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके राजा बनाया। तो ऐसी परिस्थिति है कि इतिहास को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, अपने अनुसार बनाया जा रहा है, और हिंदुओं में विभाजन करके सत्ता का सपना देखा जा रहा है। शंकराचार्य जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, रामचरित मानस को लेकर खासतौर से उसके उत्तर कांड में लिखी चौपाइयों को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, तो क्या अब ये सही वक्त आ गया है कि रामचरित मानस में जो बातें लिखी गई हैं उसको सही अंदाज में, जो भी उसकी व्याख्या है सही अर्थों में उसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इसको लेकर जो विवाद चल रहा है उसको समाप्त किया जा सके? देखिए चित्रा जी, ग्रंथकर्ता जिस समय ग्रंथ लिखता है वो अपने आशय अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करता है, लेकिन किस अर्थ में किस शब्द का उसने प्रयोग किया ये केवल वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। उसके बाद होता क्या है कि व्याख्याता आते हैं और वो अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। अब व्याख्याता जो भी व्याख्या कर ले, जब सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा होगा तो हर पंक्ति का एक अच्छा व्याख्यान हो सकता है और जनता उसको स्वीकार करके एक रह सकती है, और अगर हमारे मन में सकारात्मकता नहीं होगी, नकारात्मकता होगी, हमारे मन में ये भावना होगी कि नहीं, हमको तो समाज को बांटना है, समाज को बांट करके बड़ा गोल जो हो जाए उसका फायदा लेना है, शूद्र संख्या में ज़्यादा हैं इसलिए शूद्रों की राजनीति करके हम सत्ता में आ सकते हैं, अगर ये सब भावनाएँ होंगी तो हर पंक्ति का आप अच्छी से अच्छी किताब ला के हमारे सामने रख दीजिए, हम उसकी व्याख्या कर देंगे, अगर नकारात्मक व्याख्या करने की बात कहेंगी तो उसकी भी कर देंगे। जो पंडित होता है उसके पास शब्दों के लिए अनेक अर्थ होते हैं और वो उसकी संगति बना देता है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने क्या लिखा इसका कोई अब तात्पर्य नहीं है, अब तो तात्पर्य इसका है कि हम उसकी व्याख्या कैसे मस्तिष्क से कर रहे हैं, क्या हमारा मस्तिष्क सही है, क्या हम समाज को जोड़े रखने की भावना से व्याख्या कर रहे हैं या समाज को तोड़ने की भावना रख करके व्याख्या कर रहे हैं। अगर हम तोड़ने की भावना रख करके व्याख्या करेंगे तो किसी भी पंक्ति का कुछ भी अर्थ हम निकाल सकते हैं। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है शंकराचार्य जी, रामचरितमानस पर बार बार जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं और खासतौर पर जिन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं, क्या उनके खिलाफ बेहद सख्त एक्शन की जरूरत है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं हो, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसकी भावनाएं इससे आहत होती हैं। देखिए बात यह है कि अगर सख्त कार्रवाई आप नहीं करेंगे
तो फिर दूसरे दिन भी यही होगा, तीसरे दिन भी यही होगा। अभी तो रामचरितमानस जलाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, पैरों से कुचला जा रहा है। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, बाद में उनके भी ग्रंथों का अवसर आ जाएगा, क्योंकि लोगों का मन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए ऐसी जो कार्यवाही है उस पर तो सख्त नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस सख्त कार्रवाई का प्रचार होना चाहिए। जैसे वो बनाते हैं ना प्रोपेगंडा का वीडियो, प्रोपेगंडा का वीडियो बना करके फैला दिया जाता है ताकि लोगों को सबक हो जाए, सीख मिल जाए। तो ये जो कार्य किया गया है, इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे सबक मिले लोगों को कि खबरदार, इस तरह का सोचना भी मत। केवल रामचरितमानस के बारे में हमें नहीं कह रहे हैं, हम कहते हैं जिस भी ग्रंथ के बारे में हमारे देश में रहने वाले व्यक्ति भावना रखते हैं, चाहे वो बाइबिल ही क्यों ना हो, चाहे वो कुरान ही क्यों ना हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई हो, किसी भी ग्रंथ के बारे में जिसके बारे में कुछ लोग आस्था रखते हैं, उसको आप इस तरह से खड़े होकर के जलाएंगे, उसको आप पैरों के नीचे कुचलेंगे, क्या होगा आगे चल करके? क्या आप चाहते हैं कि समाज में उथल पुथल मच जाए, मारकाट मच जाए? परिस्थिति तो ऐसी ही हो जाती है। हम जैसे लोग जो कि बहुत शांत रहने की कोशिश करते हैं, ऐसे दृश्य देख करके हमारा खून खौलने लग जाता है, तो क्या किसी भावना वाले व्यक्ति का खून नहीं खौल जाएगा? इसलिए समाज में ऐसे दृश्यों को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। और ऐसा दृश्य जो लोग उपस्थित कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे बहुत बड़ी सबक पूरे देश के लोगों को मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को आप सुन रहे थे। अब होई है वही जो राम रच राखा को करि तर्क बढ़ावे साखा। आगे आने वाले वक्त में राम को लेकर और श्री रामचरितमानस को लेकर हो रही ये राजनीति कहां पर जाकर थमेगी, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही।